जो जमाने के साथ कदम ताल नहीं मिलाता वो बहुत जल्दी जमाने से बाहर हो जाता है। और जब मैं जमाने की चर्चा ऐसे शुरू करता हूँ तो मुझे दो बातें याद आती हैं, एक तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और दूसरा हीरो की ये स्प्लेंडर जो कि दशकों से कायम थी और मोटरसाइकिल का दूसरा पर्याय बनी हुई, यानी कि पर्यायवाची अगर आप मोटरसाइकिल के पूछेंगे तो लोग स्प्लेंडर का नाम ले लेंगे। हीरो स्प्लेंडर 1994 में इसने अपना सफ़र शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ इसमें बदला है और अब ये एक्सटेक हो गई है। एक्सटेक होने के बाद में इसमें कुछ फीचर्स ऐड हो गए हैं वो बताऊँगा और आपको ही बताने वाला हूँ कि जब लगभग 73,000 रुपये आप खर्च करते हैं तो वहाँ पर इसमें आखिर ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस है कि लोग इसे नहीं भूल पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पर माइलेज की भी चर्चा करेंगे तो आपके सारे सवालों का भी जवाब मिल जाएगा जो कि आपने पिछले वीडियो में से पूछा था और बहुत सारी बातें इसके बारे में बताऊँगा जो अब कंपनी इसमें ऑफर करती है। इसके डिज़ाइन की अगर बात नहीं करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी आप इतने सालों से इसे देख रहे हो, कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। लेकिन मैं जिसलिए बैठा हूँ बताने के लिए कि एक्सटेक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो क्या करता हूँ इसे चाबी ऑन कर देता हूँ, इंजन एक बार स्टार्ट कर देता हूँ और ये आपको इस तरीके के एक लाइट मिलती है सामने जो कि पूरे टाइम जलती रहेगी और इसे आप LED DRL भी बोल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से रोशनी कर रहा है। बाकी आपको जो पूरा हेडलैम्प हाउसिंग मिलता है यहाँ पर ये आपको मिल जाता है हेलोजन बल्ब के साथ में और टर्न इंडिकेटर भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ में इस तरीके से मिलेगा और ये इसकी पहचान रहे हैं और शुरू से ये कुछ इसी तरीके से बनाए गए थे। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें वही मिल जाती हैं, कुछ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक परफेक्ट ऑफरोडर भी है। क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि गाँव में लोगों ने इसे इसलिए पसंद किया है क्योंकि पगडंडियों से भी चली जाती है। पगडंडी क्या होती है अगर नहीं आपको पता है तो कमेंट करिएगा, जरूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए अब और चीज़ें दिखाता हूँ जो इस एक्सटेक के दरमियान अब आपको इस मोटरसाइकिल में मिलेंगी। तो आइए अब दिखाते हैं एक्सटेक क्यों बनी है। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। एक बार फिर से करता हूँ, देखिए जब आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, सब कुछ आपको पूरा मोबाइल कनेक्ट करके ये बताता रहता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी क्योंकि इस तरह की मोटरसाइकिल में जब आप लगभग 74,000 रुपये खर्च कर रहे होते हैं एक शोरूम, तो आपको ये फीचर्स बहुत ही काम आते हैं और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा देखिए इसी पर एक आपको इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। ये देखिए जब मैं स्टैंड ऑन करूँगा तो देखिए यहाँ पर स्टैंड ऑन मतलब अलर्ट पता चल जाएगा आपको कि भैया स्टैंड ऑन है, अभी बाइक नहीं चलाना है। और इसके अलावा इंजन कट हो जाता है अगर ये स्टैंड ऑन रहता है। तो सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छे फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप राइट हैंड साइड चले जाइए, यहाँ पर IPS टेक्नोलॉजी मिल जाती है। जब लाइट वगैरह पे आप खड़े होते हैं तो फ़ायदा क्या होता है कि ये अपने आप बंद हो जाती है और जब दोबारा शुरू करते हैं चलाना, एक्सीलरेट करते हैं तो बाइक बढ़ने लगती है, तो माइलेज आपको वहाँ पर बढ़िया मिल जाता है। तो स्प्लेंडर एक्सटेक में ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से इसमें बदली गई हैं और आपको मिल रही हैं। बाकी का जो काम है अब मैं इसे चला के बताऊंगा और वहाँ पर बताऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी है। ऑलरेडी मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ, आपको बताया था कि क्यों इतनी पसंद की जाती है, क्यों लोग इस मोटरसाइकिल को इतना प्यार देते हैं और 1994 से लेकर अब तक ये पुरानी नहीं हुई है। लोग पुराने हो गए, लोग गुजर गए, लेकिन स्प्लेंडर वहीं थी और स्प्लेंडर वहीं है। बस इसमें अब क्या है, नए ज़माने की चीज़ आ गई जो कि एक्सटेक के ज़रिए अब ये टेक्नोलॉजी संपन्न हो चुकी है जिससे युवाओं के मतलब की चीज़ें इसमें आ जाएं। तो चलिए अब चलाकर देख लेते हैं। तो अब बारी इस स्प्लेंडर एक्सटेक के परफॉर्मेंस की है और आपको बता दूं ये जो पिकअप आप देख रहे हैं ना ये परफेक्ट लगता है। मतलब 97.2 cc का जो इसमें इंजन लगा है, 7.91 bhp की शक्ति देता है, 8.05 nm स्ट्रॉक निकलता है, तो आपको इनिशियल पिकअप अच्छा मिल जाता है। तो इस जो मोटरसाइकिल बनाई गई है जिसका वजन है उसके लिहाज से ये परफेक्ट आपको ये परफॉर्मेंस देती है और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती क्योंकि 112 किलोग्राम तो इसका वजन है। तो जब आप इसे खींचते हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत अच्छे से और जो इसका इंजन का साउंड है वो भी काफ़ी कुछ मैच करता है इससे। और आपको ऑलरेडी मैं इसका दिखा चुका हूँ, पहले भी परफॉर्मेंस टेस्ट किया था तो कुछ इंजन में नहीं बदला है। बस इसके बारे में इतना ही बोलना था मुझे कि 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आप इसे जा सकते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसा है अगर आपका वजन कम है तो ये मीटर आपको दिखाएगा 95 पर भी आप पहुँच गए हैं, लेकिन 87 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार टॉप स्पीड जो इसकी है ये कंपनी क्लेम करती है।
बस कुछ चीज़ें और चाहिए थी लोगों को, क्योंकि जब भी इसका मैं रिव्यू करता था तो बोलता था भैया अगर इसमें कुछ फीचर्स आ जाए ना तो मज़ा आ जाए, और उसको सुन लिया है कंपनी ने। इस वजह से एक्सटेक को लॉन्च किया है। अब इसमें आपको फुल डिजिटल मीटर मिल जाता है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, यानी कि आपको पता चलता रहेगा कितना माइलेज सामने आ रहा है, ब्लूटूथ मिल जाता है कॉल SMS अलर्ट के साथ में। इसके अलावा LED हाई इंटेंसिटी पोजीशन लैंप मिल जाता है, जो पोजीशन लैंप आप देख रहे हैं वो भी परफेक्ट है, USB मोबाइल चार्जिंग और साइड स्टैंड इंजन का टॉप, ये फीचर्स इसको काफ़ी प्रैक्टिकल बना देते हैं। और अब बता देते हैं कि भैया अब यू वाली मोटरसाइकिल नहीं है जो आप पहले देखते थे, अब इसमें आपको वो गैजेट मिल गए हैं जो युवाओं को पसंद थे और जिसकी सख्त ज़रूरत थी। तो अब अगर मुझे अब इसका कौन सा बताना होगा कि भैया इसकी एक कमी है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वो है डिस्क। डिस्क ब्रेक लगाएंगे तो इनकी की इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और मुझे लगता है कीमत जस्टिफाई करने के लिए अभी तो डिस्क ब्रेक इसमें नहीं आने वाला है। फिलहाल जो आना था आ चुका है, 125 सीसी में आपको सुपर स्प्लेंडर मिल जाती है, बहुत सारे स्प्लेंडर के वेरिएंट मिल जाते हैं, आप जब इसे चला रहे होते हैं तो वहाँ पर एक परफेक्ट परफॉर्मेंस करके दिखा देती है। और सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप इस हाईवे पर नहीं होते हैं और सिटी कंडीशन में नहीं होते हैं, जब आप पगडंडियों से गुजर रहे होते हैं। अब पगडंडी आप देख सकते हैं कि पगडंडी किसे बोला जाता है, तो इस पगडंडी से जब आप निकल रहे होंगे तो ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ आपको आगे निकालती है, और इसका कम वजन सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस बाइक और मेरे वजन के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 22-25 किलो का डिफरेंस है, क्योंकि 22-25 किलोग्राम ज़्यादा है ये मोटरसाइकिल, अगर मैं थोड़ा और वजन बढ़ा लेता तो इसके बराबर हो जाता है। इस लिहाज से आपको ये अच्छा परफॉर्म करके दे रही है, जिसकी हाइट कम है उसे और अच्छे से परफॉर्म करके देगी, और यहाँ पर माइलेज भी आपको 60 किलोमीटर प्रति लीटर कंपनी क्लेम करती है। बढ़िया से चलाएंगे तो मुझे पक्का पता है इतना माइलेज आप निकाल सकते हैं। माइलेज टेस्ट में जो लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था वहाँ पर मुझे 45-46 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज ये दे के गई थी, लेकिन टेस्टिंग कंडीशन में जो अभी मैं चला रहा हूँ यहाँ पर आपको 40-42 मुझे मिला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं गाड़ी को चला रहा था दूसरे लेवल पर टेस्टिंग में। जब आप व्यवहारिक जीवन में चलाएंगे तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा माइलेज दे के जाएगी। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे मिलते हैं, बेशक इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, लेकिन बाइट्स कहीं से आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, जब आप ब्रेक करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके अलावा जो रंग के विकल्प इसमें कंपनी ने दिए हैं वो काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। जो मैं चला रहा हूँ अभी ये वाली मोटरसाइकिल, इसका नाम है स्पार्कलिंग बेटा ब्लू। इसके अलावा इसमें आपको कैनवास ब्लैक मिल जाता है, पर्ल वाइट मिल जाता है और टोरेंडो ग्रे मिल जाता है। तो अपनी कीमत के साथ में काफ़ी जस्टिफाइड लगती है मोटरसाइकिल। आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है, इंतज़ार कर रहा हूँ। रंग अलग है, ढंग अलग है, और जब रंग की चर्चा की है तो आपको बता दूँ 3 रंगों में अवेलेबल है, और तीनों रंग बहुत ही अच्छे बन पड़े हैं, इस ग्राफिक्स के साथ अच्छे लगते हैं। तो जो थोड़े युवा हैं जिनको कुछ अलग चाहिए था अपनी स्प्लेंडर में, तो उन्हें स्प्लेंडर प्लस खरीदने की जरूरत नहीं है, वो इस स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक के जरिए अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, और कम खर्चे में। लगभग 74,000 रुपये एक शोरूम इसकी कीमत है, पूरी तरीके से जस्टिफाइड है इस बाइक के साथ में। 100 cc से कम का इसका जो इंजन है और जो पावर आउटपुट निकलता है वो परफेक्ट है, 7.9 BHP की शक्ति आता है इसे, और 8.1 Nm का इसे जो टॉर्क आता है वो परफेक्ट लगता है, क्योंकि आप पगडंडियों से भी होकर निकल सकते हैं। मुझे पक्का पता है, अब पता चल गया होगा आपको पगडंडी क्या है। जब आप शहर में चला रहे होंगे तो वहाँ पर भी अच्छी रफ्तार ले सकते हैं, लेकिन शहर में जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे होंगे तो वहाँ से बहुत बेहतरीन ये आपको आगे निकाल देती है, तो वहाँ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में जब आपको थोड़ा खुला हाईवे मिल जाएगा तो 90-95 की स्पीड ही कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ में ये एक्सटेक आपको पसंद आएगी, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। और अब क्या करिएगा, आप भी जाइए एक्सपीरियंस करिए, और क्या मैंने ये बात सही बोली थी ये ज़रा बताइएगा, और मुझे पक्का पता है कि आपको बढ़िया माइलेज देगी ये मोटरसाइकिल। और माइलेज के साथ साथ में जब आप अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को तलाशेंगे एक बाइक के साथ में, तो वो भी देकर चली जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया, कुछ और जाना जुड़ना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले, मेरा इंस्टा @LMA.Dwivedi, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाएँ।